Dear students, today's topic is the ant and the cricket. And first, before read this topic, first we should know the summary of this chapter. This poem, The Ant and the Cricket, is a fable. What is fable? A fable is a traditional story that teaches us a moral lessons. Usually the characters in fables are animals. This poem also teaches us a very important moral lessons of being industrious, laborious like an ant. It also teaches us that we should not be like the cricket. A cricket, an insect, enjoyed his summer in dancing and singing, and then he found himself in trouble. As the winter season arrived, he found he had nothing to eat, nor had he cared to make a shelter for himself. So, see here, one cricket is here, then he told that, oh, what will become of me? When he lost his food, he had spent his food, then said, oh, what will become of me? अब मेरा क्या होगा? सब खाना खत्म हो गया, अब मेरा क्या होगा? तो उसने डिसाइड किया, I should go to an ant and request for some help. So he went to ant and वो एक चींटी के पास जाता है और क्या कहता है, I wish to borrow some grain from you. मैं आपसे कुछ grain borrow करना चाहता हूँ, मैं उधार लेना चाहता हूँ. Then further he said, I shall pay you back tomorrow. मैं कल तक, मतलब afterward I will return it, मैं इसको repay कर दूंगा बाद में. So the ant told, ant ने बोला, पहले तो ant ने, however the ant did not help the cricket. पहले उसने मना किया कि मैं मदद नहीं कर सकती, फिर वो बोलती है बहाने कर करके कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपका सर्वेंट और फ्रेंड हूं. क्रिकेट बोलता है, फिर बोला है, इट्स रूल ऑफ एंट्स दैट दे नेदर बारो नॉर लेंट. ये एंट बोल रही है कि मेरा जो है, जो रूल है कि मैं ना तो बारो करती हूं ना लेंड करती हूं, ठीक है, ना उधार देती हूं. फिर वो पूछती है कि डिड यू नथिंग ले बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म. जब वेदर वाज वार्म, व्हेन द वेदर वाज इन फेवर, आपके फेवर में जब था, मौसम अच्छा था, तब आपने कुछ भी नहीं बचाया. ले बाय मींस सेव करना. डिड यू नथिंग ले बाय व्हेन इट द वेदर वाज वार्म. जब व्हेन इट वाज समर, देन यू डिडंट ले बाई एनीथिंग. सो उसने उसका रीजन पूछा, उसने बोला, क्रिकेट ने बोला, नॉट आई, नहीं मैं नहीं बचाया, कुछ नहीं बचाया. तो द आंट आस्क द रीजन, उसने उसका रीजन पूछा कि क्यों नहीं बचाया. तो क्रिकेट बोलता है, माई हार्ट वॉज सो डिलाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड. माई हार्ट वॉज सो डिलाइट, मेरा जो है हैप्पीनेस इतना था, हार्ट वॉज सो डिलाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, पूरी रात दिन मैं गाता ही रहा. फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरा नेचर मतलब ऑल सीजन, सभी मौसम मेरे लिए गे, हैप्पीनेस जो है दिखाई दे रहा था, पूरा मौसम सुहावना दिख रहा था, और रात दिन मैं गाता ही रहा, मैं बहुत खुश था. फिर चींटी कह रहे, यू सैंग सर, यू से, आप कह रहे थे आप गाए, गाते रहे, आप बोल रहे हैं आप गाते रहे. गो देन एंड डांस विंटर अवे, अब जाइए और पूरा विंटर डांस करिए. सो नेक्स्ट पिक्चर,
क्रिकेट वेंट नियर एन एंट टू आस्क फॉर सेवन, फिर सी रिफ्यूज द वन रिफ्यूज, देन बोथ दे केम बैक. सो लेट अस रीड द पोएम. अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, the aunt asked the cricket in astonishment if he had not saved nothing for the winter, to which the cricket replied in negative. जब उसने पूछा तो क्रिकेट ने निगेटिव में रिप्लाई दिया. और फिर एंट अस्ड हिम द रीजन, उसने रीजन पूछा और क्रिकेट रिप्लाइड ही वॉज सो बिजी एंजॉइंग हिज लाइफ ही डिड नॉट बॉदर टू सेव आर पुट एनीथिंग. द आंट टॉन्टेड हिम टू गो एंड डांस ड्यूरिंग द विंटर ऑल्सो. इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर, वी मस्ट नॉट जस्ट स्पेंड आवर गुड टाइम्स आइडली. हमें अपना गुड टाइम्स आइडली जो है नहीं व्यतीत करना चाहिए. वी मस्ट ऑल्सो सिक्योर आवर फ्यूचर अगेंस्ट द बैड टाइम ऑल्सो. जब हमारा बैड टाइम्स आए तब भी हमें अपना फ्यूचर संभाल करके रहना चाहिए. द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दिस. सो लेट अस रीड द पोएम. असली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड टू हैबिट बिकेम हैबिचुअल टू सिंग. एक सिली फूल, एकदम बेवकूफ जो क्रिकेट था, कस्टम टू सिंग, वो हमेशा जो है बजाता रहता था, गाना गाता रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, तो पूरे समर में सनी धूप में बैठा, मंथ महीनों भर बड़े खुशी में, समर और स्प्रिंग सभी में, वसंत और समर में ही सैंग एंड डांस. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. अब फिर जब उसका स्पेंड हो गया, ऑल ही हैड स्पेंट, देन बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. घर पर उसने कंप्लेन करना चाह शुरू कर दिया कि जब उसने पाया कि घर में ही इज कपबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, कि उसका जो कपबर्ड था, फूड स्टोरेज था, वॉज एम्प्टी, खाली हो गया, एंड विंटर वॉज कम, और जाड़ा आ गया. सो व्हाट हैपेंड, नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड. कोई भी क्रम, अ पीस ऑफ फूड, कोई भी खाने का टुकड़ा भी नहीं मिला उसको. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो बर्फ गिर रही थी विंटर में, सो ऑन स्नो कवर्ड ग्राउंड ही डिडंट फाइंड एनी टाइप ऑफ क्रम, कुछ भी क्रम, उसको रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला. एंड नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री. उस समय इन विंटर सीजन एक कुछ भी फूल नहीं दिखते थे, ना तो पेड़ों पर पत्तियां, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना पेड़ों पर पत्तियां दिखती थी. ठीक है, देन क्रिकेट टोल्ड, ओ व्हाट विल बिकम, अरे अब क्या होगा, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, मेरा क्या होगा, अब तो सब गड़बड़ हो गया, व्हाट विल आई डू. देन एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और भी जो है उसका जब ऐसा हुआ, कुछ था नहीं, तो स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, उसकी जो है भुखमरी और जो है अकाल और बढ़ती गई, उसकी भुखमरी अकाल बढ़ती गई. All dripping with wet, और जो पानी की बूंदों से सब गीला पड़ गया था, all thing wet and all trembling with cold, और सब कुछ जो है cold से कांप रहा था, कांप रहे थे, मतलब सब कुछ पानी की बूंदों से wet हो गया था and cold की वजह से trembling कर रहे थे. Then away he set off to a miserly aunt. तब उसने सेट ऑफ किया, ही स्टार्टेड टू गो, उसने सोचा कि मैं जाऊं किसके पास, माइजरली आंट के पास, एक कंजूस कंजूस चींटी के पास जाने के निर्णय लिया. देन टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, टू सी इफ, वो ये पता करने के लिए ऐसा सोचते हुए कि टू कीप हिम अलाइव, कि वो जिंदा रह सके वो आंट के पास, ही वेंट फॉर दिस दैट टू कीप हिम अलाइव, जो जिंदा से, ही वुड ग्रांट
हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, जहां वो चींटी उसको रेन से बचने के लिए शेल्टर देगी, उसको आश्रय देगी, उसको जो है कुछ बचने का सुविधा देगी, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन्स, और एक मुट्ठी कुछ अनाज दे देगी चींटी। देन ही विज्ड ओनली टू बारो, तब क्रिकेट ने उसने विज्ड किया बारो करने के, ही वुड रिपे टुमारो, और कहा कि आप जो है कुछ मुझे बारो कर दो और मैं इसको वापस कर दूंगा। टुमारो मीन्स द कमिंग डेज, ही विल रिटर्न दैट द क्रिकेट वुड, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, अगर आप नहीं देंगे, इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, तो मैं स्टारवेशन और सारो, दुख और भूख के कारण, भुखमरी के कारण मैं मर जाऊंगा। देन देन ऑन टोल्ड सेज द ऑन टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तो आपका सर्वेंट और फ्रेंड हूं, बट वी आंट्स नेवर बारो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम जो है आंट्स ना तो लैंड करते हैं ना बारो करते हैं, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई वेन द विंटर वॉज वार्म, आपने जब विंटर वॉर वार्म, विंटर वॉज इन फेवर यू, यू डिडेंट सेव एनीथिंग, आपने कुछ भी नहीं बचा करके रखा। द क्रिकेट कोट द क्रिकेट सेड द क्रिकेट नॉट आई, नहीं मैंने नहीं बचाया। तो व्हाट टोल्ड द रीजन, क्रिकेट व्हाट टोल्ड द रीजन, दैट माय हार्ट वाज सो लाइट, माय हार्ट वाज सो डिलाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मैं इतना खुश था, हैप्पीनेस था कि डे एंड नाइट आई बीकेम वेरी हैप्पी एंड सैंग डे एंड नाइट, पूरी रात दिन गाना गाता रहा फॉर ऑल नेचर लुक गे, क्योंकि मुझे ऑल नेचर, सभी सीजन, सभी मौसम लुक्ड गे, हैप्पीनेस दिख रहा था, सुहावना दिख रहा था। देन द आंट टोल्ड यू सैंग सर, यू से आप कह रहे हो कि आपने गाना गाया, आप बता रहे हो, ओके सो आंट टोल्ड गो देन सेज द आंट, और उसने आंट ने बोला जाइए फिर, एंड डांस द विंटर अवे, पूरा विंटर मस्ती से डांस करो, दस एंडिंग, ऐसा कहते हुए ही हैस्टी लिफ्टेड द विकेट, और जल्दी में बहुत जल्दी से लिफ्टेड द विकेट, उसने एक स्टिक उठाया, डंडा उठाया, किसने, एंट ने, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस लिटिल बेचारे क्रिकेट को अपने दरवाजे से आउट ऑफ द डोर बाहर कर दिया। देन फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, इसीलिए लोग इस कहानी को फेबल कहते हैं, आई विल आई शैल वॉन्ट इट ट्रू, मैं आपको जो है वारंटी लेता हूँ, आपको श्योर अश्योर करता हूँ कि ये बात सही है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू, कि कुछ क्रिकेट जो है चार पैर होते हैं कुछ क्रिकेट्स के, और कुछ क्रिकेट के दो पैर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सम क्रिकेट्स आर लेबोरियस एंड सम क्रिकेट्स आर लेजी, एंड दोज हु हैव फोर लेग्स दे वर्क हार्ड दे वेंट एवरीवेयर, एंड दोज हु हैव टू लेग्स दे स्टैंड एट वन प्लेस एंड दे वेट फॉर हेल्प टू बाई अनदर। सो नाउ सम क्वेश्चन बेस्ड दिस पैराग्राफ, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, कब कहा और क्यों कहा, द आंसर इज द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन ही सॉ दैट देयर वाज द नथिंग टू ईट इन हिज कबर्ड, जब कुछ बचा नहीं था तब कहा था देयर वर नो फ्लावर्स एंड लीव्स ऑन द ट्रीज बिकॉज नाउ इट वॉज विंटर सीजन, नाउ हैड कवर्ड ऑल द थिंग्स, स्नो कवर्ड ऑल द थिंग, बर्फ जम गई थी, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल, आंट के बारे में आपका क्या विचार है, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस विंटर अवे, पूरी डांस करो विंटर, डू यू थिंक ही द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट, इफ सो व्हाई, अगर अप्रोप्रिएट है तो बताइए क्यों, ठीक है इसका आंसर दिया हो गया है। एंड देन विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, किसमें पोएट्स का कमेंट दिया गया है, थैंक यू।